गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। किसानों को आंदोलन करते हुए 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। पंजाब सरकार किसान आंदोलन का लगातार समर्थन करता आया है, लेकिन पंजाब सरकार किसान संगठनों पर इस बार जमकर बरसी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि किसान आंदोलन के कारण पंजाब सरकार को आर्थिक तौर पर काफी नुकसान हुआ है। किसानों को दिल्ली और हरियाणा में धरना देना चाहिए, पंजाब में नहीं, जिस पर अब जमकर राजनीति हो रही है। हरियाणा के तमाम मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान की आलोचना कर रहे हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कैप्टन को गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। इससे साफ हो गया है कि इस आंदोलन के पीछे कैप्टन का हाथ है और इसके पीछे उनकी राजनीति महत्वाकांक्षी योजना है। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हरियाणा को पंजाब का छोटा भाई बताया और पंजाब के सीएम अमरिंदर के बयान को निंदनीय बताया। नहीं, पर कैप्टन दूसरी बात तो कह रहे हैं ना, जो कि एक प्रजातांत्रिक तौर पर बने हुए मुख्यमंत्री को नहीं कहनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि आपने जो गड़बड़ करनी है जाके हरियाणा में करो, दिल्ली में करो। अब ये एक मुख्यमंत्री का कहना भी तो बहुत गलत बात है ना जी, कि भाई मेरे यहाँ मत करो, जाके दिल्ली और गुड़गांव में करो। ये तो बहुत गैर जिम्मेदाराना है। हम तो बिल्कुल मानते हैं कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, पर जिस प्रकार के बयान माने मुख्यमंत्री पंजाब सरदार अमरिंदर सिंह जी ने दिए, तो निश्चित तौर से वो निराशाजनक हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि यहाँ हमारा आर्थिक नुकसान हो रहा और उनको आंदोलन जो है आंदोलनकारी हैं उनको जाके हरियाणा में करना चाहिए, तो हरियाणा में मतलब आर्थिक नुकसान होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये बयान जो है बिल्कुल गलत है इस प्रकार का। और जिस प्रकार की शंकाएँ जाहिर की जा रही है, आम आदमी जिसकी शंका जाहिर कर रहा है और दूसरे लोग भी ने बार बार आरोप लगाए कि आंदोलन के पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ भी है, तो वो उस बात से सिद्ध होता है, उनकी बात से ही सिद्ध होता है कि वो भी उसको इस प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री के बयान पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी पंजाब के मुख्यमंत्री की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री को किसानों को रोकना चाहिए था और कहना चाहिए था कि रास्ता रोकने से इसका हल नहीं है, बल्कि बातचीत से इसका हल निकलेगा। हमने पहले भी बार बार कहा है कि इस आंदोलन को भड़काने वाले कांग्रेस के मित्र हैं और पंजाब के लोगों को हरियाणा और दिल्ली में भेजने का पंजाब के मुख्यमंत्री ने ये मुहिम चालू करी थी। जितनी बात दिल्ली और हरियाणा की बात कही मुख्यमंत्री जी ने, इन किसानों को समझाना चाहिए था और ये कहना चाहिए इसका हल रास्ता रोकने से, सड़कों पर बैठने से नहीं है, इसका हल बात से है। जितनी बात मुख्यमंत्री अरविंदर सिंह को ये बात शोभने नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे यहाँ सारी नीतियाँ अच्छी होते हुए भी पंजाब की कांग्रेस पार्टी, देश की कांग्रेस पार्टी ने पंजाब के जत्थेदार हमारे बॉर्डर पर आके बैठा दिए, हमारी सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को ख़त्म कर दिया। हमारे बहादुरगढ़ के चमड़ा का जहां उद्योग था, जूतों की फैक्ट्री थी, हजारों में उनको बर्बाद कर दिया। राई में, कुंडली में इंडस्ट्रियल एरिया था, सारी फैक्ट्री बंद करके लाखों आदमियों को बेरोजगार कर दिया। छोटे किसान जो हमारे थे, कोई दूध बेचता था, कोई सब्जी बेचता था, दिल्ली में अपना बच्चों का पालन पोषण करता था, उनको 10 गुना ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। और बड़ी खुशी खुशी से पंजाब के नेता ये क्लेम करते हैं कि हमने बड़ी समझदारी करके इन आंदोलनकारियों को हरियाणा में भेज दिया। और पिछले दिनों जो घटना हुई करनाल के अंदर, हालांकि हमारी सरकार का स्पष्ट आदेश है कि किसान हमारे माई बाप हैं, किसान हमारे पूजनीय हैं, किसी भी सूरत में हम किसानों के ऊपर बल प्रयोग नहीं करना चाहते। अब तो ये इसका तीसरा पहलू आ गया कि इकोनॉमी को, हरियाणा की इकोनॉमी को खराब करो और पंजाब की इकोनॉमी को बचे रहने दो। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई हो नहीं सकती। सबकी आँख खुल जानी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की मंशा क्या है। उसके कांग्रेस पार्टी का जो मुख्यमंत्री है एक पड़ोसी स्टेट में, उसकी मंशा क्या है, हर हरियाणवी को इस बात में समझना चाहिए।
वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल सहित बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ कैप्टन अमरिंदर पर बरसे और कहा कि इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ है। चंडीगढ़ से वी न्यूज के लिए कुमार रमेश की रिपोर्ट।